हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम हिंदी के कुछ अशुद्ध शब्द देखेंगे जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यूज़ करते हैं, और वही शब्द हम हिंदी शॉर्ट हैंड में भी यूज़ कर लेते हैं, जिसकी वजह से हमारा सिलेक्शन रुक जाता है। यानी कि कहेंगे कि आप अगर अपने हिंदी शॉर्ट हैंड में नॉर्मली आप लिख लेते हैं, अच्छी स्पीड भी लिख लेते हैं, लेकिन फिर भी आप ट्रांसक्रिप्शन के समय आप उसको अशुद्ध रूप में लिखेंगे तो आपका सिलेक्शन रुक सकता है। क्योंकि किसी भी शॉर्ट हैंड एग्ज़ाम में मिनिमम एक्यूरेसी देखी जाती है, 5% तक गलतियां माफ़ की जाती हैं, 5 या 3% तक। तो आप इसको हल्के में ना लें, और जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं इस सीरीज़ से आप कमेंट करें, ठीक है, कि आपको ये आगे भी देखनी है, फर्दर देखनी है सीरीज़। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट कर देता हूँ। आज के कुछ वर्ड्स हैं, जैसे अनधिकार, हम अनधिकार लिखते हैं, जो कि गलत है, शुद्ध रूप है, अनधिकार होता है, ठीक है। अधीन बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, जो कि अधीन होता है। अतिथि, अतिथि बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, कॉमन यूज़ होता है, इसका शुद्ध रूप ये वाला है। अफसोसजनक, अफसोसजनक भी आ जाता है और अफसोसनाक नाक भी आता है, मतलब अफसोसनाक और अफसोसजनक इन दोनों ही शुद्ध रूप हैं। ये मैंने इस वजह से लिख दिया कि इस रूप में भी आ जाएगा, तो आप इसको कन्फ्यूज़ मत होंगे। अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय जो आता है बच्चे इस तरीके से भी लिखते हैं, जो कि गलत है, अंतर्राष्ट्रीय का सही रूप ये है। अध्यात्म, अध्यात्म में बड़ा आ लिखते हैं बच्चे, जबकि अध्यात्म इस तरीके से लिखा जाएगा, सही होगा, यानी कि ये वाला आपका गलत है। अत्यधिक, अत्यधिक जो आप लिखते हैं इस तरीके से लिखते हैं, जबकि ये होता है इसमें आ, यहाँ पे आ की मात्रा यहाँ पे नहीं आएगी, अत्यधिक ये वाला सही है, ये वाला गलत है। अब देखते हैं अंत्येष्टि, अंत्येष्टि जो है इस तरीके से काफ़ी बच्चे लिखते हैं, ये ठ वाला लगाते हैं, जबकि ट होता है इसमें अंत्येष्टि में। अंतर्ध्यान, अंतर्ध्यान में जो है या लगाते हैं नॉर्मली बच्चे, अंतर्ध्यान होता है ये। अभीष्ट में भी सेम उसी तरीके से ठ वाला ही एरर है, आप ठ लगाते हैं जबकि ट होता है टमाटर वाला। अनुग्रहित काफ़ी कॉमन यूज़ होता है, अनुग्रहित में ये र की मात्रा इस तरीके से नहीं लगेगी आपकी, ये वाली लगेगी ऋषि वाली। अनजान, अनजान इस तरीके से लिखा जाता है, जबकि जो शुद्ध रूप है अनजान इस तरीके से लिखते हैं। ये जो माइनर सी गलतियां हैं ये मैं बता रहा हूँ, नॉर्मली यूज़ करते हैं और ये नेग्लिजिबल हैं, काफ़ी एग्ज़ाम में इसको नहीं किया जाता है, लेकिन फिर भी आप शुद्ध रूप लिखें तो अच्छी बात है। अंतरिक्ष है, इसमें बड़ी की मात्रा लगाते हैं लोग, लेकिन छोटी मात्रा है। अटखेलियाँ, अटखेलियाँ का जो शुद्ध रूप है ये है, ट आएगा, ठ मतलब ट नहीं आएगा। अधीक्षक, अधीक्षक में जो छोटी की मात्रा लगाते हैं वो गलत है, बड़ी की मात्रा सही होता है, ठीक है। अनिश्चित, अनिश्चित नहीं होता कुछ, अनिश्चित होता है, निश्चित से बना है अनिश्चित। अवयस्क, अवयस्क जो होता है ये वाला रूप है, जो शुद्ध रूप है। आवाम, आवाम नहीं होता, आवाम नहीं होता, आ की मात्रा नहीं होता, ये गलत है, आवाम होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें ठ और ठ का वो है, डिफरेंस है। अष्टागयोग बोलते हैं, काफ़ी टफ वाले इसमें मैटर में आ जाता है ये वर्ड, तो इसमें ट यूज़ होगा ना कि ठ। एक वर्ड है असम और असम, ये दोनों ही यूज़ आता है आपके, जो जब बोला जाएगा मैटर तो असम भी बोला जा सकता है, आसाम भी बोला जा सकता है, तो मेक श्योर रहें कि वहाँ पे असम बोला गया है कि आसाम बोला गया है। अम्पायर, अम्पायर जो है शुद्ध रूप है, एम्पायर कुछ नहीं होता, लेकिन एम्पायर भी बोला जा सकता है। आवश्यकता, आवश्यकता जो है उसमें आ की मात्रा जो बड़ी है वो सही रूप होता है, आवश्यकता जो होता है जो जल्दीबाजी में बच्चे लिख देते हैं वो गलत है। आटा, आटा होता है, आंटा नहीं होता कुछ। आशीर्वाद बहुत कॉमन यूज़ होता है, बहुत ज़्यादा एरर होता है इसमें, काफ़ी बच्चे कई तरीके से बनाते हैं, इसमें ये र वाली मात्रा यहाँ पे भी लगा देते हैं जो कि गलत है, जो शुद्ध एक्चुअल जो रूप है इसका ये है, ना कि ये वाला, इसमें छोटी की मात्रा भी नहीं होगी, बड़ी की मात्रा होगी। आहार, आहार में बड़ा आ आता है ना कि छोटा आ, ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखें। आरूढ़, आरूढ़ में ये छोटी छोटा वो बड़ा वो का अंतर है, तो इसको देख लें, ये वाला जो रूप है वो शुद्ध रूप है। आनुष्गिर, आनुष्गिर, आनुष्गिर जो है ये वाला सही है रूप, जब छोटा आ से बनाएंगे आप तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है। आस्तीन, आस्तीन नॉर्मली यही बच्चे यूज़ करते हैं, ये गलत है। आइए, आइए में ये रूप सही है, ये गलत। आईना, आईना भी ये वाला गलत, ये सही है। आकंठ, इसमें ठ और ठ का अंतर है, तो आप याद रखिए, इसमें जो ट
वाला है, ठठेरे वाला वो सही है, और टमाटर वाला गलत है। आगामी, ये बहुत ज़्यादा बच्चे गलत करते हैं, ये वाला जो रूप है ये सही है, और छोटा वाला जो है वो गलत है। आधारित, आधारित में भी बड़ा आ लगता है, और आधारित जो लिखा रहता है वो गलत है। आधिकारित, ये भी देख लीजिए ये सही है, और अधिकारित जो है वो गलत है। काफ़ी बच्चे ये सोचते हैं कि अधिक से बना है तो अधिक में छोटा आ आता है तो ये अधिकारित होगा, लेकिन ये आधिकारित होता है। आध्यात्मिक, आध्यात्मिक में भी ये देख लीजिए, आध्यात्मिक में बड़ा आ बनता है तो ये बड़ा वाला जो है वो सही है, और आध्यात्मिक ये वाला गलत है। अब देखिए आवारा, आवारा जो बोला जाता है आवारा ही बोला जाता है, जो जबकि वो गलत होता है, आवारा होता है। आतंकवादी, आतंकवादी में देखिए ये जो ये वाला रूप है ये सही है, बाकी ये जो है ये गलत है। इसमें अंग की मात्रा जो है आपकी आप ही आएगी, ना कि तापे। आंसुओं, आंसुओं में भी देख लीजिए इसी तरीके से ऊ की मात्रा है, ये छोटू छोटा ऊ वाली है वो सही है, और बड़ा ऊ वाली गलत है। जबकि हम इसको सिंगुलर फॉर्म में लिखते हैं तो बड़ा ऊ से लिखते हैं आंसू, या फिर आप नॉर्मली बनाते होंगे तो डाकू लिखते होंगे तो डाकू इस तरीके से लिखते होंगे, लेकिन उसका प्लूरल फॉर्म बनाते होंगे डाकुओं तो छोटा ऊ कर देते हैं वहाँ पर, तो इस चीज़ को आप याद रखना। आडवाणी, आडवाणी जो है ये वाला जो है गलत है, और इसमें र वाला जो है ये सही है, अनुनासिक वाला। आर्द्रता, आर्द्रता में भी डबल र आता है तो आपका ये वाला आर्द्रता सही है, सिंगल र वाला गलत है। आबंटन, आबंटन बोलते हैं नॉर्मली, लेकिन जो एक्चुअल इसका जो वर्तनी होती है ये वाली सही है, ये गलत है। तो आज के लिए बस इतना ही, आपको ये कैसा लगा शुद्ध अशुद्ध का वीडियो आप कमेंट करके बताएं, और इसको आगे कंटिन्यू करने के लिए मैं कुछ और शब्द अच्छे अच्छे इकट्ठे कर लूँगा मैं, ठीक है। ये तो आ वाले थे, तो आप बताइए कमेंट करके, मैं आगे भी बताऊंगा, और इसका वीडियो दे इसका पीडीएफ लेने के लिए आप मेरे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। थैंक यू।